तो गाइस सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाली गैंग लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर अब एक और हस्ती आ चुकी है। सिद्धू मूसे को मारने वाली गैंग लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर अब उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत आ गए हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद संजय रावत को जान से मारने की धमकी मिली है, जो कि उनको लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से मिली है। अगर आप नहीं जानते हैं कि संजय रावत कौन है, तो आपको बता दें कि संजय रावत आज महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। संजय रावत मुंबई में 80 के दशक में क्राइम ब्रांच रिपोर्टिंग करते थे। लोकसभा पत्रिका से करियर की शुरुआत करने वाले संजय रावत को अंडरवर्ल्ड रिपोर्टिंग का एक्सपर्ट माना जाता था। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और अंडरवर्ल्ड पर लिखी उनकी रिपोर्ट्स की मुंबई में खूब चर्चा हुआ करती थी। लेकिन अब जैसे ही संजय रावत को जान से मारने की धमकी मिली, तो उन्होंने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। धमकी देने वाले ने संजय रावत को मैसेज टाइप कर कहा है कि तेरा भी सिद्धू मूसे वाले की तरह हाल कर दूंगा। मैसेज में राउत को हिंदू विरोधी कहते हुए गालियां भी दी गई हैं। इस मामले में पुणे पुलिस ने बीती रात एक संदिग्ध को हिरासत में लिया और मुंबई पुलिस को सौंप दिया है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से मिली इस धमकी में कहा गया है, तू दिल्ली में मिला तो तुझे AK-47 से उड़ा दूंगा, मूसे वाला हो जाएगा। लॉरेंस की तरफ से मैसेज है, सलमान और तू फिक्स तैयारी करके रखना। इस धमकी के बाद राउत ने पुलिस को पत्र लिखकर जानकारी दी है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पिछले साल दिसंबर में भी राउत को जान से मारने की धमकी दी गई थी। तब उन्होंने दावा किया था कि यह धमकी कन्नड़ रशन वेदिका नाम के संगठन की तरफ से आई थी। कुछ दिन पहले ही लॉरेंस गैंग की तरफ से बॉलीवुड स्टार सलमान खान को भी फिर से धमकी मिली थी, जिसके बाद केस दर्ज होने के बाद मुंबई पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी।